हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें हम करते हैं वो फिल्मी बातें जो अगले कुछ दिनों तक पब्लिक की नजर में रहने वाली हैं। लॉकडाउन के बाद एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि बड़े से बड़ा स्टार भी अपनी फिल्में सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने को तैयार हो गया, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार की फिल्म लक्ष्मी के आंकड़े देखकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार काफी हताश हो गई है, क्योंकि हॉटस्टार ने कंटेंट देखे बिना स्टार्स के नाम पर उनकी फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए खरीद ली हैं। मगर अमेज़न प्राइम वीडियो हॉटस्टार के इस अनुभव से सबक लेती नजर आ रही है। अब वो प्रोड्यूसरों से अपने यहाँ रिलीज के लिए शेड्यूल फिल्में अपनी क्रिएटिव टीम को दिखाने की मांग कर रही है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में भारी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर कौन कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। बेसिकली आज हम दिसंबर में ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की बात करेंगे। हमारी लिस्ट में पहला नाम है स्वरा भास्कर की वेब सीरीज भाग बीनी भाग का। स्वरा ने कुछ ही समय पहले इरोज नाव की वेब सीरीज फ्लैश से अपना डिजिटल डेब्यू किया था। भाग बीनी भाग मुंबई में रहने वाली बिंदिया भटनागर नाम की एक लड़की की कहानी है, जो अपने सपने, करियर, फैमिली और रिलेशनशिप में बुरी तरह से उलझी हुई है। मगर इस भागम भाग से बचकर वो किसी भी तरह से स्टैंड अप कॉमिक बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती है। इस सीरीज को डेबी राव और ईशान नायर ने मिलकर डायरेक्ट किया है, जिसे 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस लिस्ट का दूसरा नाम है बॉम्बे रोज का। एक एनिमेशन फिल्म है। इस फिल्म में नजर आने वाला हर फ्रेम कंप्यूटर पर पेंट से बनाया गया है, जिसे 18 महीने में 60 आर्टिस्ट ने मिलकर तैयार किया है। मुंबई में रहने वाले दो लोगों सलीम और कमला की कहानी, जो प्रेम में पड़ जाते हैं, मगर उनके इस प्रेम के पूरे होने में कई अड़चनें आती हैं, जिसमें से धर्म भी एक है। इस फिल्म को मशहूर थिएटर एक्टर और फिल्म मेकर गीतांजलि राव ने डायरेक्ट किया है। बतौर एक्टर गीतांजलि को हमने फिल्म अक्टूबर में देखा था। उन्होंने शिवली की मां का रोल किया था। बॉम्बे रोज को 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। हमारी लिस्ट में तीसरी फिल्म है मैंक। महान फिल्म सिटीजन केन के राइटर हरमन जे मैंकेविच की बायोपिक, जिन्हें मैंक नाम से बुलाया जाता था। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे शराब की लत से जूझते हुए मैंक सिटीजन केन की स्क्रिप्ट पूरी करने में लगे हुए थे। बाद में इस फिल्म के लिए मैंक और फिल्म के डायरेक्टर ऑर्सन वेल्स को बेस्ट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर मिला, मगर उस इवेंट में दोनों में से कोई नहीं पहुंचा था। ऑर्सन अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और मैंक अपने घर पर बैठकर रेडियो पर अपने ऑस्कर जीतने की खबर सुन रहे थे। इस फिल्म को फाइट क्लब, द सोशल नेटवर्क और गॉन गर्ल जैसी फिल्में बना चुके डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर आएगी। अगली फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये IAF विंग कमांडर विजय कार्णिक की बायोपिक बताई जा रही है। 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में गुजरात के भुज एयरपोर्ट को चालू रखने की जिम्मेदारी विजय के पास थी। भारी बमबारी की वजह से भुज का एयर स्ट्रिप बर्बाद हो गया था। भुज एयरपोर्ट इंडिया की स्ट्रैटेजी के हिसाब से जरूरी था। ऐसे में विजय ने एयरफोर्स के अफसर, सिपाही और 300 लोकल सिविलियन महिलाओं की मदद से भुज का एयर स्ट्रिप ठीक कर लिया। इस फिल्म को अभिषेक दुधैया डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले ये फिल्म 17 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, मगर इसकी ऑनलाइन रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है। हमारी लिस्ट की पांचवी फिल्म है दुर्गावती। इसे तेलुगु हॉरर फिल्म भागमती का रीमेक बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी एक महिला IAS ऑफिसर की है। ये ऑफिसर अपने मंगेतर की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। कुछ पॉलिटिकल पचड़ों की वजह से इस ऑफिसर से पूछताछ होनी है। इस इंटेरोगेशन पर किसी की नजर या खलल ना पड़े, इसके लिए ऑफिसर को जेल से निकालकर एक ऐसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है जो हॉन्टेड है। इस फिल्म को भी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर जी अशोक डायरेक्ट कर रहे हैं। दुर्गावती को 11 दिसंबर से अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा। लिस्ट की छठी फिल्म है लाहौर कॉन्फिडेंशियल। ये कहानी है एक इंडियन एजेंट की, जिसे एक खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है, मगर वहां उसे एक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले एजेंट से प्यार हो जाता है।
प्रेम और इंडिया पाकिस्तान के बैकड्रॉप में घटने वाली तकरीबन ऐसी ही कहानी पर सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर बनी थी। खैर, इस फिल्म को हम तुम और फणा फेम कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया है। Z5 पर इस फिल्म को 11 नवंबर से देखा जा सकेगा। सातवीं फिल्म है टोरबाज। ये बड़ी पॉजिटिव फिल्म लग रही है। कहानी अफगानिस्तान में रहने वाले कुछ बच्चों की है। आतंकवादी इन बच्चों का इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर के तौर पर करते हैं, मगर तभी इन बच्चों की लाइफ में एक आदमी आता है। वो क्रिकेट नाम के खेल की मदद से इनकी जिंदगी बदल कर रख देता है। इस फिल्म को गिरीश मलिक ने डायरेक्ट किया है। 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज के लिए शेड्यूल्ड इस फिल्म की रिलीज डेट अभी नहीं आई है। हमारी लिस्ट में आठवां नाम है तमिल फिल्म मारा का। मारा चर्चित मलयाली फिल्म चार्ली की ऑफिशियल रीमेक है। कहानी एक लड़की की है जो शादी से बचने के लिए अपने घर से भाग जाती है। उसे अपनी दोस्त की मदद से एक कमरा मिलता है जो कि बुरी तरह बिखरा हुआ है। जब वो उस कमरे को साफ करना शुरू करती है, तब उसे इस कमरे में रहने वाले पिछले किराएदार की कई चीजें मिलती हैं। इन चीजों में एक अधूरी फोटो स्टोरी भी है जो उस लड़की का ध्यान आकर्षित कर लेती है और कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म को डेब्यूटेंट दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है। मारा को 17 दिसंबर से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीट किया जा सकेगा। हमारी लिस्ट में नौवीं फिल्म है मारेनीज ब्लैक बॉटम। ये फिल्म मारेनी नाम की एफ्रो अमेरिकी म्यूजिशियन की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में चैडविक लेवी नाम के तुरही वादक यानी ट्रम्पेट बजाने वाले म्यूजिशियन का रोल करेंगे। ये एक्टर चैडविक बोसमैन के करियर की आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि 28 अगस्त 2020 को चैडविक का कोलोन कैंसर की वजह से निधन हो गया। इस फिल्म को जॉर्ज वुल्फ ने डायरेक्ट किया है। इसे 18 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा। दसवीं फिल्म है इंदू की जवानी। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में इंदू नाम की एक लड़की की कहानी। हाल में बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ है। रीबाउंड के चक्कर में इंदू डेटिंग एप्स का सहारा लेती है। उसके लेफ्ट राइट स्वाइप सिर्फ उसके ही नहीं, उसके मोहल्ले वालों की जिंदगी में भी भूचाल ला देते हैं। डेटिंग एप्स के बारे में बात करने वाली इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि हार्ट ब्रेक की कहानी है। इस फिल्म को अबीर सेन गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के रिलीज से जुड़े तमाम बड़े फैसले अगले कुछ समय में आने वाले हैं। हमारी लिस्ट में 11वां नाम है कुली नंबर 1 का। 1995 में आए गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर कुली की ऑफिशियल रीमेक। लक्ष्मी की असफलता को देखते हुए Amazon प्राइम वीडियो ने वरुण की इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स से कहा है कि वो रिलीज से पहले फिल्म उनकी क्रिएटिव टीम को दिखाएं। ये एक शादी कराने वाले ब्रोकर के बदले की कहानी है, जो अपना बदला पूरा करने के लिए एक लड़की की शादी बस स्टैंड पर काम करने वाले कुली के साथ फिक्स करवा देता है। डेविड धवन डायरेक्टेड इस फिल्म को क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। हमारी लिस्ट में अगला नाम है वंडर वुमन 1984 का। 2017 में डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर वंडर वुमन पर बनी फिल्म का सीक्वल। 1984 में कोल्ड वॉर के दौरान घटने वाली इस फिल्म में वंडर वुमन दुनिया को बचाने के साथ साथ अपने प्यार को भी बचाने की जदोजहद में लगी हुई है, मगर उसके रास्ते में जो बड़े रोड़े हैं, एक मशहूर बिजनेसमैन और उसकी सुपर पावर्स वाली दोस्त चीता। खैर, पहले वंडर वुमन 1984 को दुनिया भर में थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, मगर हालात को देखते हुए फिल्म को थिएटर्स के साथ साथ ऑनलाइन रिलीज करने का भी फैसला लिया गया है। पैटी जेनकिंस डायरेक्टेड इस फिल्म को 25 दिसंबर से HBO Max पर स्ट्रीम किया जा सकेगा। हमारी लिस्ट में अगला नाम है फिल्म सोल का। ये भी एक एनिमेशन फिल्म है। सोल में हमें एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर जो गार्डनर की कहानी देखने को मिलेगी। जो का एक सपना है, वो स्टेज पर जैज म्यूजिक परफॉर्म करना चाहता है। एक इवेंट के दौरान वो कई लोगों को इम्प्रेस कर लेता है और उसे एक बड़ा मौका मिल जाता है, मगर इसके ठीक बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस फिल्म को पीटर डॉक्टर ने डायरेक्ट किया है। इसे 25 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा।
हमारी लिस्ट में 14वां नाम है फिल्म द बिग बुल का। ये फिल्म स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की लाइफ पर बेस्ड है। कुछ ही समय पहले हर्षद की लाइफ पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 रिलीज हुई, जो बड़ी हिट रही थी। ये कहानी बंबई में रहने वाले एक स्टॉक ब्रोकर की है, जिसने भारतीय बैंकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया। द बिग बुल को अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कूकी गुलाटी, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय की फिल्म प्रिंस डायरेक्ट की थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज के लिए शेड्यूल्ड इस फिल्म की रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं है। हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म है नेल पॉलिश। ये एक कोर्टरूम थ्रिलर बताई जा रही है। कहानी है शहर के एक सम्मानित व्यक्ति की, जिस पर दो माइग्रेंट बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होती है, मगर इस दौरान लोगों को पता चलता है कि शख्स को स्प्लिट पर्सनालिटी की समस्या है। इस फिल्म को बक्स भार्गव ने डायरेक्ट किया है। इसे 1 जनवरी 2021 से Z5 पर स्ट्रीम किया जाएगा। मैटनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।